बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हिट स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शमशाद मांगट, और आज भी हमारा मौजू है रिंग रोड स्कैंडल। उसमें दो अफराद जो गिरफ्तार हुए हैं, तीसरा जो बंदा गिरफ्तार किया गया था वो डीसी अटक थे, जिनका नाम अली कमर हनान है। उनको 5 घंटे बैठाने के बाद छोड़ दिया गया। सुना यह है कि उनको वादा माफ गवाह बना लिया गया। उनसे पूछा गया है कि अटक के इलाके में और फतेह जंग के इलाके में जो सोसाइटियां हैं वो किसने इस रिंग रोड के हवाले से लेन देन किया। उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि वो सब कुछ बताएंगे, इसलिए उन्हें जो है वो कल 5 घंटे के बाद रिहा कर दिया गया था। लेकिन अहम क्वेश्चन ये है कि कैप्टन महमूद जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनको गिरफ्तार किया गया, और लैंड कलेक्टर वसीम ताबश को गिरफ्तार किया गया। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब रियासत अली आज़ाद साहब, बहुत सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हम इनसे इनकी लीगल ओपिनियन जानेंगे कि ये जो रिपोर्ट अब सामने आई और इससे पहले भी जो रिपोर्ट सामने आई, तो रियासत अली आज़ाद साहब ये कैसे मुमकिन है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको बढ़ाकर 68 किलोमीटर कर दिया गया, क्या कमिश्नर की इतनी हिम्मत जुरत है कि वो अपर अथॉरिटी के बगैर ही इतनी इसमें तब्दीलियां कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मांगट साहब, बात ये है कि देखिए, रिंग रोड का मंसूबा जो था ये 36 किलोमीटर इसकी वो लेंथ उन्होंने बताई थी कि जी आपने ये बनाना है। अब जब पता चला है कि जो उसको एक्सपेंड करते हुए 66 किलोमीटर तक इसको ले गए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, ये उन लोगों के लेवल की बात नहीं हो सकती। इसलिए कि एक इंच भी अगर किसी जगह पे गवर्नमेंट का मंसूबा, तो आपने उसके डिज़ाइन को चेंज करना हो तो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसकी अप्रूवल लेनी होती है। यहाँ पे 36 से 66 पे आप ले गए और आप कहते हैं कि जी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है यानी चीफ मिनिस्टर है या और बड़े जो उसके अंदर स्टेक होल्डर हैं उनसे अप्रूवल नहीं ली गई, ये मेरी सोच से बिल्कुल बालातर है। मैं समझता हूँ कि उनके अप्रूवल के साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन अब चूंकि ये एक इतना बड़ा स्कैम सामने आ गया जिस पे अपोजिशन और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी लोग हैं उस पे बड़ा शोर शराबा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि बड़े जो स्टेक होल्डर थे, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज थी, उनको बचाने के लिए बेचारे वो लोग जो नीचे मुलाजमीन हैं उनको कुर्बानी का बकरा। देखिए, बड़ी ईद पे छोटी कुर्बानी दे दी गई। देखें, बड़ी ईद पे तो बड़ी कुर्बानी ही होनी चाहिए, छोटी कुर्बानी छोटी ईद पे हो सकती है। तो मैं जो जैसे आपने पूछा है, तो मैं समझता हूं कि ये उन लोगों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर आपने एहतसाब करना है तो बेलाग एहतसाब होना चाहिए, जिसमें चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई वजीर हो कोई वजीर आला हो, कोई भी ऐसा शख्स जो उसके अंदर मुलव्वस है तो उसको स्पेयर नहीं करना चाहिए। जब तक आपकी इन लोगों को जो मुलव्वस है इस करप्शन के अंदर, इस स्कैम के अंदर, आप उनको निशाने इबरत नहीं बनाएंगे तो आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा, ये रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। लेकिन रियासत अली आज़ाद साहब, जो वजीर आज़म को रिपोर्ट पेश की गई थी, जो पहली जो कमिश्नर कैप्टन महमूद गिरफ्तार हुए हैं, जो उनकी रिपोर्ट थी, उन्होंने उसमें वाज़े तौर पे ये लिखा था कि इसको बढ़ाते हुए, इसके डिजाइन की तब्दीली करते हुए आला सतीय इजलास में जो सूबाई हुकूमत के मशीर है सैयद सुलमान शाह, पहले उनकी अप्रूवल ली गई और बाद हजार वजीर अला पंजाब की अप्रूवल ली गई और फिर वजीर आजम को भी ये जो है सारा डिजाइन बताया गया, जिसके बाद ये मंजूरी हुई। लेकिन बाद हजार वजीर आजम के कान भरे गए कि ये तो बड़ा स्कैम है। तो जब अब देखें, सैयद सुलेमान शाह की मंजूरी के भी दस्तखत मौजूद हैं, वजीर अला पंजाब की भी मंजूरी के दस्तखत मौजूद हैं, तो कुर्बानी का बकरा आपने कमिश्नर और लैंड कलेक्टर को बना दिया। देखें मांगड़ साहब, अगर ये अप्रूवल ऑन द रिकॉर्ड है तो ये मामला चूंकि थारोली प्रोब भी हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है और ये कोर्ट में मामला आएगा, तो कोर्ट इस पर खुद भी सुओ मोटो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं, उनसे ये पूछेंगे कि भाई देखें, नीचे वाले जो लैंड कलेक्टर है या कमिश्नर है, आप बताओ कि ये इतनी बड़ी, इनके पास कोई अथॉरिटी, कोई ऐसा अख्तियार है कि वो अपने तौर पर इतना वो कर सके, अप्रूवल दे सके। जैसे आप फरमा रहे हैं कि रिकॉर्ड के ऊपर अप्रूवल मौजूद है, तो मैं समझता हूं कि ये आर्टिकल 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का है उसकी वायलेशन है। कानून सब के लिए, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ शुड बी गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अगर वजीर आला उसमें मुलव्वस है तो उसके खिलाफ प्रोसीड होना चाहिए, अगर कमिश्नर है तो उसके खिलाफ प्रोसीड, यानी टॉप टू बॉटम जितने लोग उसके अंदर मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रियासत अली आज़ाद साहब, एक और अजूबा देखें इसमें कि कलेक्टर जो है, लैंड कलेक्टर, उसने जो जमीन एक्वायर किया उस पर इल्जाम है कि उसने 5 अरब रुपया लोगों को दिया और जमीन एक्वायर कर ली। अब क्वेश्चन सबसे अहम यह है
कि एक शख्स लैंड कलेक्टर जो था, क्या वो इतना बाख्तियार था कि वो पैसे बांटता गया, ज़मीनें लेता गया, ना उसके ऊपर डीसी था, ना उसके ऊपर कमिश्नर था, ना उसके ऊपर पंजाब हुकूमत थी, और उसने पैसे बांट दिए? क्या ये मुमकिन है? लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो है वो एक प्रोसीजर दे दिया गया कि आपने लैंड एक्वायर कैसे करनी है, किस पर्पज के लिए करनी है, फिर उसका सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन होता है, अवार्ड होता है, फिर उसके जो मार्केट वैल्यू होती है उसके मुताबिक आपने उसको पेमेंट करनी होती है। फिर ये तो नहीं उसके कोई जाती अकाउंट है, जाती जेब से निकाल के उसने पैसे देने, उसने गवर्नमेंट से पैसे लेके तो वहां पे उन लोगों को जो अफेक्टिव है जिनसे आपने लैंड एक्वायर की, आपने उनको पेमेंट करनी है, तो वो गवर्नमेंट टैक्स चक्कर से उसने पे करनी है, तो वो इतना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है कि वो खुद ही अप्रूवल भी दे, खुद ही उसको आगे लोगों को बताए भी ये रेट होना है। तो ये एक प्रोसीजर है, अगर प्रोसीजर को भी वायलेट किया गया तो जितने लोग टॉप टू बॉटम है वो मुलव्वस है उसके अंदर। अच्छा रियासत साहब, जब ये स्कैम शुरू हुआ, फिर इसका वजीर आजम ने डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस को इसकी जिम्मेदारी दी कि वो तहकीकात करें। अब देखें, उनका मैंडेट था कि रिंग रोड स्कैंडल में कौन कौन मुलव्वस है, इसका जो जिग जैग बना के इसको तवालत दी गई, इसको लंबा किया गया, वो कौन लोग हैं, वो किसके असर सूख से, यहां तक मैंडेट था। लेकिन अब हो क्या रहा है कि डीजी एंटी करप्शन जो है वो उन लोगों को भी तलब कर रहे हैं, मतलब सोसाइटी मालकान को, कि जी आपने इतनी फाइलें क्यों बेची, आपके पास रकबा कितना है। तो ये तो उन्होंने अब देखे एक नया स्क्रू, एक नया घेरा है सोसाइटियों के गिर्द। देखिए इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसको स्पेसिफिक मैंडेट दे दिया गया कि आपने किस इशू को इन्वेस्टिगेट करना है। आप जितना इसको एक्सपेंड करते जाएंगे मामला कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और असल इशू वहीं का वहीं रह जाएगा और एक नया लोगों को ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उन लोगों के बिजनेस के अंदर इंटरफेरेंस है विच इज नॉट अलाउड बाय द लॉ। उसमें सिर्फ ये कि अगर ऐसा किया जा रहा है तो दैट इज बुलटिंग स्टिंकिंग एंड कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कुछ ऐसा कर रहा है तो वो ऐसा नहीं कर सकता, उसको उस मैंडेट के अंदर है कि इन्वेस्टिगेट करना है। हाँ, इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, ठीक है 36 से 66 किलोमीटर इस रिंग रोड को कर दिया गया है, लेकिन इसके अगर आप देखें तो इसके फवायद भी होंगे कि वहां पे इतने सारे गांव में से वो रोड गुजरेगी, बहुत सारे लोगों को एक्सेस हासिल होगी, वहां पे बहुत सारे लोगों को फायदा भी होगा। जैसे चूंकि ये एक अथॉरिटी है उसने किया है, मोटरवे में भी तो आप लाहौर का देखें तो उसमें से 100 किलोमीटर जो उसको एक्स्ट्रा आपने कर्व देखे तो लाहौर का 100 किलोमीटर आपने लोगों को फायदा देने के लिए किया है। तो उसमें आप देखें कब से 99 में शायद ये और वो बनी थी मोटरवे, तब से आज तक फ्यूल के खर्चा लगाएं तो पब्लिक को कितना उससे नुकसान हो रहा है, लोगों के टाइम का कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन यहां पे जैसे है देखें, यहां पे लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन चूंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सिर्फ ये मैंडेट है कि वो इसको रिंग रोड को जो है वो डिग आउट करे और इसमें जो मुलव्वस लोग हैं उनकी हद तक वो अपनी निशानदेही करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। अच्छा रियासत अली आजाद साहब, बहुत आपका एक्सपीरियंस है अदालतों का, ये मामला यकीनी तौर पे अब अदालतों में जाएगा और जो मुतासरीन है, जो गिरफ्तार हैं लोग, वो अदालतों में जाएंगे, वो रिपोर्ट्स भी साथ लेके जाएंगे जो उन्होंने खुद लिखी, उनके सुबॉर्डिनेट जो डीसी रावलपिंडी थे अनवार साहब, उन्होंने भी इस बात को जो है वो इंडोर्स किया था कि इसकी अप्रूवल जो है, जो डिज़ाइन की तब्दीली की जो थी वो सैयद सुलेमान शाह की सरबराही में जो आला सतीय इजलास हुआ था उसमें हुई थी और फिर वजीर आला पंजाब ने भी इसकी मंजूरी दी थी। तो जब ये मामला अदालत में जाएगा तो इसका क्या मुस्तकबिल देखें? देखें अदालत में जाएगा मामला तो ये तो नहीं है ना, आल दो के अदालत इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस नहीं करती, ये हमारा लॉ कहता है या पाकिस्तानी लॉ कहता है। लेकिन अगर किसी एक शख्स के साथ ज्यादती हो रही है, जो बेचारा बेगुनाह है, जो इनोसेंट है, वो किसी की जगह पे उसको बकरा बनाया जा रहा है, तो कोर्ट अपनी आंखें बंद नहीं करेगी। वो यकीनन रूल ऑफ लॉ के लिए और लोगों को इंसाफ देने के लिए वो किसी को भी ये डायरेक्शन दे सकती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि आप इसकी हद तक भी इन्वेस्टिगेट करें और इसकी हद तक भी रिपोर्ट अपनी सबमिट करें। अच्छा राशिद अली आजाद साहब, एक और मामला है कि ये जो हमारी हाउसिंग सोसाइटियां, इन्होंने भी बड़ी अंधेर नगरी मचाई हुई है। अभी देखें गुलबर्ग ग्रीन जो है, बुनियादी तौर पर तो इसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अभी हाल ही में इनका आज भी अखबार में इश्तिहार छपा होगा, लाजमी तौर पे इनके इश्तिहार छप रहे हैं, ई और एफ एग्जेक्टिव ब्लॉक जो हैं भाईजान, उस पे वो जगह है जहां पे ये नक्शे में अपने जाली नक्शे में शो कर रहे हैं कि ये हमारी जगह है, वो जगह है जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी की।
2500 प्लॉट हवा में क्रिएट करके, एक कोई नाम है प्रॉपर्टी डीलर का बाबर कुरैशी, दूसरे का नाम है इमरान, और तीसरा जो है बहादुर खान, ये उसको जो है लोगों को बेच रहे हैं, फिर लोगों के पैसे डूब जाएंगे। अब देखें इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को आप छोड़ें, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम देखें कितना बड़ा है। अब 2500 प्लाटों का तखमीना लगाया जाए कितना फ्रॉड है, ये तकरीबन 7 अरब का फ्रॉड है, लेकिन कोई पकड़ने वाला, कोई पूछने वाला ही नहीं। देखिए मांगड़ साहब, अगर ऐसी बात है जो आप रिकॉर्ड के मुताबिक बात कर रहे हैं, अगर ये सच है बकौल आपके, तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा स्कैम है, और सिर्फ ये हमारे जो बाख्तियार इदारे हैं, जो हमारे कौमी इदारे हैं, जिन पे लोगों का ट्रस्ट है, अगर ऐसी बात है तो अगर इस सोसाइटी के साथ ये नाम आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो हमारे जो इससे मुतलका इदारे हैं उनको यकीनन ये सोचना होगा, यकीनन इस पे एक्शन लेना होगा कि इनकी वजह से उनके ऊपर भी हर्फ आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो रूल ऑफ लॉ है, जो मेरिट है, उसको प्रिवेल करना चाहिए, और इसके अंदर उन्हें खुद इसका एक्शन लेना होगा, और सही को सही और गलत को गलत, और अगर ऐसी बात है तो फिर उनको उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। नहीं, ये बाबर कुरैशी, इमरान चौधरी और ये बहादुर खान, ये तो पहले इसके इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के डिफॉल्टर थे, लेकिन इनको तो अभी इन्होंने अरबों जो कमाया, ये लोगों के साथ धोखा हो रहा है। अगर देखें ना, ये धोखा किया जा रहा है, और हुकूमत के होते हुए किया जा रहा है, हमारे इदारों के होते हुए हो रहा है, FIA है, NAB है, और जैसे आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे बाकी इदारे जो हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी ये एक मैं समझता हूँ कि एक जो शोहरत है उसको नुकसान पहुंचाने के मुतरादफ है। और अगर जिन लोगों के आप प्रॉपर्टी डीलरों के नाम बता रहे हैं कि वो पहले भी डिफॉल्टर हैं और लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो हुकूमत को और इन इदारों को आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, और इन लोगों को लूटने से बचाना चाहिए। तो नाज़रीन, आप रियासत अली आज़ाद साहब की राय सुन रहे थे। देखना अब यह है कि हमारी NAB कब जागेगी, हमारी FIA कब जागेगी, हमारी एंटी करप्शन वाले जो हैं वो कब जागेंगे, वो कब देखेंगे कि ये डिफ़ॉल्टर लोग दोबारा किस तरीके से लोगों को लूट रहे हैं, बल्कि दोनों हाथों से लूट रहे हैं। हमारे कौमी इदारों को बदनामी से बचाना चाहिए, चूंकि उनका नाम इस इदारे के साथ, गुलबर्ग ग्रीन जो है वो ऊपर एक समझ लें कि एक छत है या एक ऊपर लेबल है, लेकिन नीचे जो नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का है। लिहाजा इंटेलिजेंस ब्यूरो एक बड़ा नाम है हमारे मुल्क की सलामती का, ये आम तरीन इदारा है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर अपनी रूलिंग भी दी थी। जस्टिस असर मलल्ला ने कहा था कि अगर हमारे ये इस तरह इदारे जो हैं कौमी इदारे, अगर ये प्रॉपर्टी के कारोबार में लग गए, तो फिर कौमी सलामती का क्या हाल होगा। ये हमारे कौमी इदारों को सोचना चाहिए। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।